हमने असेंबली के मेंबर के तौर पर असेंबली में इनके लिए आवाज उठाई। आज डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी ट्रैफिक, एसएसपी ऑपरेशन और दीगर जिले इंतजामिया के जिम्मेदारान के साथ हमने इनकी मीटिंग कराई और इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी हुकूमत ने, इंतजामिया ने इनके तमाम मुतालिबात तस्लीम कर लिए। और इनका भी शुक्रिया कि उन्होंने आवाम के खातिर अपने हड़ताल को अभी आपके सामने वो ख़त्म करने का ऐलान खुद करेंगे। मैं बहसीयत मेंबर, चूँकि आवाम बहुत नुकसान उठा रहे थे, अजी नूर मोहम्मद साहब को, रहीम आगा को, जमील ख़ान को, बाकी जितने अहदेदारान थे, अमानुल्ला, सबको ये फिक्र लाग थी कि हम आवाम के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो अभी मैं अजी नूर मोहम्मद वर्दक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो ख़ुद अपने ख्यालात का इजहार करें। अजी नूर मोहम्मद वर्दक साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम लोगों ने तकरीबन आज चौथा दिन है जो हम लोगों ने हाई कोर्ट के हुक्म के तामील करते हुए सारे टैंकर हमारे खड़े थे, हम लोगों ने कोई हड़ताल नहीं किया था। लेकिन आज जब वापस जो हमारा मुतालिबात थे, जो मैंने हम लोगों ने अदालत और सूबाई गवर्नमेंट के सामने रखे थे, वो तकरीबन सारा ये हाजी साहब नसरुल्लाह खान ज़ेरी की क़ियादत में और रहीम आगा साहब की क़ियादत में सारा उस लोगों ने मान लिया, तस्लीम किया कि आप लोगों का सारा जितना भी मुतालिबात है वो जायज़ है। तो इसी बुनियाद पे जो है हम अभी से ये मीडिया के थ्रू, ये प्रेस क्लब के ज़रिए मैं अपना सारा हड़ताल को ख़त्म करता हूँ और हमारा ट्रैक्टरों को जो है, वाटर टैंकरों को, ट्रालियों को, सारा रोड पे जो है इजाज़त मिल गया और हमारा सारा अभी से मैं ऐलान करता हूँ वो सारा इजाज़त है, हड़ताल को मैं ख़त्म करता हूँ। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले मैं नूर मोहम्मद वर्दक साहब, हाजी नसरुल्लाह ज़ेरे साहब, हमारे जो मेंबर सूबाई असम्बली हैं, इसी के साथ जमीला चकजई साहब, अल बलोचिस्तान टैंकर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी कद्दूस आगा साहब, पंजाब खान साहब, सैयद हैदर आगा साहब, उनकी जितनी भी टीम है, इन सब का मैं अपने अपनी जानिब से और अंजुमन ताजराम बलोचिस्तान की जानिब से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान किया। चूँकि पहले रोज़ अव्वल से हम इनके साथ थे और इंशाल्लाह ताला आगे भी इनके साथ रहेंगे, चूँकि हमारे ताजर बरादरी का ये किस्सा है। और मैं सूबाई हुकूमत का भी शुक्रगुजार हूँ, ज़िले इंतज़ामिया का भी शुक्रगुजार हूँ जो कि इनके जो मुतालिबे थे मान लिए गए। इस पर स्पेशली तौर पर मैं हाईकोर्ट के मोजिज़ जस्टिस साहिबान, जिनमें जस्टिस आशम खान काकड़ साहब और नज़ीर अहमद लांगव साहब, कि इंतहाई मशकूर ममनून हूँ जिन्होंने कल जो है, कल भी आज सुबह भी जो मुतालिबात थे इनके अदालत के उसके साथ जो थे, उन्होंने हुक्म दिया था, उस हुक्म पे हम इनका इंतहाई मशकूर ममनून है और आगे भी हम उनसे यही तवक्को रखते हैं कि वो मज़ीद भी हमारे हक में फैसले करेंगे। शुक्रिया जी, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहसीयत जनरल सेक्रेटरी आल बलोचिस्तान वाटर टैंकर वाटर सप्लाई और वाटर चैलेंज एसोसिएशन का नायब सदर, मैं आप सफ़ी हजरात को बहुत मशहूर हूँ, स्पेशली रहीम आगा और हमारे नसरुल्लाह खान ज़ेरी, जिसने अपनी कोशिशों से सूबाई हुकूमत और हमारे अदलिया से हमारे जो चेत मुतालिबात है उसे तस्लीम किए। रिटर्न ये मैं वजात करना चाहता हूँ, जो भी हमारे मुतालबे थे वो रिटर्न हमें दिए हुए आपके सामने, सब दोस्तों के सामने हम लोग शेयर कर देंगे इंशाल्लाह रहमान। हम लोग इस काम को आखिरी कोने तक पहुँचाएंगे। ये एक दिन का मसला नहीं है, ना सिर्फ रहीम आगा का मसला है या जिनूर मोहम्मद का या नसरुल्लाह खान का या मेरा या कद्दूस आगा का या और मेरे दोस्तों का, ये तकरीबन 70,000 घरानों का मसला है। जिस तरीके से हम लोगों ने इसका हल तलाश किया, उसी तरीके जिसमें आवाम की भी बेहतरी हो, इस 70,000 खानदानों की भी बेहतरी हो, उस तरीक़ार से हम लोगों ने अपनी हिकमत अमली बनाई और हमारे जो सिविल इंतज़ामिया है और अदलिया है, इसका बेहद मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे सारे मुतालिबात तस्लीम किए
और इंशाल्लाह रहमान जो भी जायज़ मुतालबात आगे भी आएंगे इस पर अभी से अमल दरामद इन लोगों ने कर लिए, नोटिफिकेशन जारी कर लिए, चाहे एस पी के मत में हो, चाहे जिस मत में भी हो, जिस शक्ल में भी हो, इंशाल्लाह रहमान हमारे सारे मुतालबात तस्लीम किए गए। और मैं एक मीडिया के थ्रू एक गिला शिकवा करना चाहता हूँ वासा वालों के साथ कि ई एन डी वाले के जो काम है उसको अपने काम को अंजाम तक पहुँचाओ, अरबों रुपये ले रहे हो, एक ट्यूबवेल भी नहीं बना रहे हो। और इधर हम मैंने डी सी ऑफिस में हमारे मोजिज मेंबर बैठे हुए थे, मैंने उनको पॉइंट दिखाया कि भाई आप ये क्यों कर रहे हो, उसने दूसरा गेम नचाया अपने आप को छुड़ाने के लिए। तो मैं उसका जो सिस्टम उसने चलाया जो वहाँ पे वास्ता का नुमाइंदा बैठा था उसका मैं भरपूर मुजम्मत करता हूँ। उसकी जिम्मेदारी बनती है कि क्वेटा शहर में हर बंदे को पानी सप्लाई कर ले। आज वासा वालों ने खुद ये इकरार किया है अला उकाम के सामने कि हम लोग 4% से 5% तक पानी पूरा क्वेटा शहर को सप्लाई करते हैं, ऑन द रिकॉर्ड ये बात पड़ी हुई है। तो मैं आखिर में मेरे सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, ट्रैक्टर वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, ठेले वालों को शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये बात फिर मैं करना चाहता हूँ कि ठेले वाले हजरात जो बैठे हुए किसी को कोई चुंगी कीमत में कोई बता और टैक्स ना दे, जिधर से भी हो, चाहे टैंकर कीमत में ये लोग ले रहे या ठेले कीमत में ले रहे। फिर मैं एक बार फिर गुजारिश करता हूँ आप सब दोस्तों से कि इत्तेफाक एहतियात से रहो, कोई हंगामे की जरूरत नहीं है, ना हमारे यहाँ कोई ग्रुपिंग है। जिनूर महमद हमारा सदर था, सदर रहेगा इंशाल्लाह रहमान, जो हमारे जायज़ मुतालबात हैं हर फोरम पे जिनूर महमद और इनके दोस्त ये उठाएंगे। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम लोग सब इत्तेहाद इत्तेफाक में, कोई ड्राइवर कोई बंदा आके बोलता है कि भाई ठीक है हम नहीं मानेंगे, लेकिन इंशाल्लाह 20 मिनट अभी से आपको पता, 20 मिनट के बाद आपको पता चलेगा कि शहर के कोने कोने में इंशाल्लाह पानी पहुंच जाएगा। वो इस तरह है हम ठीक है, डीसी साहब हमारा शहर का बड़ा है, हम उसका हुक्म का पाबंदी करेंगे, तय रेट उसके साथ तय करेंगे, लेकिन हम इस तरह मुल्क में रहते हैं कि मतलब अगर आज डीजल 140 रुपया में अगर कल 45 में चला जाता है तो वो रेट जो है वो उसी के साथ ख़त्म हो। नहीं चार और 3000 वाला खाता किधर है एक मुझे बताओ। पूरा क्वेटा शहर को हम लोग 85 से 90% पानी दे रहे, ये मैं चैलेंज से कहता हूँ, न पीछी है न कोई वासा है, ये आप लोगों के सामने। क्वेटा शहर में तकरीबन 20 से 22 हज़ार खाली टैंकर चल रहे हैं जिला को, तो हमारा ये तो हमारा जिम्मेदारी नहीं, ये तो रियासत का जिम्मेदारी है। जो छोटे बच्चे चलाते हैं वो ट्रैक्टर भी बंद करे, टैंकर को भी बंद करे, वो तो ट्रैफिक वाला और रियासत का जिम्मेदारी है, हमारा जिम्मेदारी तो नहीं है।